मार्ग पर तीन कनाल सोलह मरले का, पार्टी हेडक्वार्टर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो जो नवाज सभा ट्रस्ट के लिए तीन कनाल सोलह मरले का दिया गया हो, फारूक अब्दुल्ला जी का अपना घर हो, आप जमीन छोटी सी लेते हैं लेकिन उससे दुगनी तिगनी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, तीन पीढ़ियां आपकी सत्ता में रही, मुख्यमंत्री रही, उन लोगों को भी जम्मू कश्मीर में जमीनों पर कब्जा करना पड़ता है, देश दुनिया में आपकी संपत्तियों के ढिंढोरे पीटे जाते हैं। आखिरकार ये कानून किसके लिए बना था और इसमें समय समय पर बदलाव क्यों किए गए? चाहे पीडीपी की सरकार थी जब पीडीपी के मुख्यमंत्री थे तब भी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने गठबंधन में तब भी, तो इन पे सवाल खड़ा होता है कि बार बार नियमों में बदल करना, कट ऑफ डेट को बदलना, तो उस सूची को लगातार आगे बढ़ाना और 3,42,000 कनाल जमीन, कितनी 3,42,000 से ज़्यादा कनाल जमीन ये इस घोटाले के माध्यम से ले ली गई। 25,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आना था, मात्र 76 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आया है। ये हजारों करोड़ रुपए की लूट, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या गुपकार गैंग के लोग सामने आएंगे, बताएंगे कि इस घोटाले में शामिल ये लोग कौन कौन थे? और आखिरकार क्या इन सब ऐसे ही घोटालों को ढकने के लिए ये गैंग का गठन हुआ है? ये लैंड ग्रैबर्स गैंग है, ये जमीन पर कब्जा करने वाली गैंग है, ये जो अपने आप को जमीनी नेता कहते थे, जमीनी नेता नहीं, ये जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता हैं, दलाल हैं उसके। इनको देश को जवाब देना चाहिए। अगर अनुच्छेद 370-35 से नहीं हटता, करप्शन के मामले नहीं चलते, ये कोर्ट की जांच नहीं होती, पीआईएल दाखिल नहीं होती, हम तो धन्यवादी हैं हाई कोर्ट के कि जिन्होंने सीबीआई को जांच के आदेश भी दिए और इन्हें ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोगों के नाम, पूर्व मुख्यमंत्री की बहन, उनके उस समय के एजी, उस समय के जेएनके बैंक के चेयरमैन, उस समय के आला अधिकारी, उस समय के आला कर्मचारी, इन लोगों ने सरकार की और वन की भूमियों पर कब्जा करने का काम किया था। ये जम्मू कश्मीर के हितों के लिए कभी नहीं लड़े, ये तो जमीनों पर कब्जे और सिस्टम को लूटने का काम करते थे। हम धन्यवादी हैं कि इसको सामने रखा गया है और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके बड़े नेताओं के नाम आए, पूर्व मंत्री सज्जाद किचलू का नाम आया है, सैयद अकून का नाम आया जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फारूक अब्दुल्ला जी की बहन श्रीमती सुरैया मट्टू का नाम आया है, असलम गोनी जो पूर्व एजी हैं और इनके बड़े नेता हैं एनसी के, अब शायद कांग्रेस में चले गए हैं, पीडीपी के बड़े नेता हैं, पूर्व में वित्त मंत्री रहे अजीत द्राबू जी, उनके परिवार के लोगों के नाम आए हैं। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं हटी। जब हम कहते थे गुपकार गैंग का समर्थन कांग्रेस क्यों करती, उसका पार्ट क्यों बनी है, तो पता चला कि अब कई एजेंडे उसके हैं साथ साथ में। माजिद वानी जी हो, के अमला जी हो, वानी जी हो, ये इनके नाम जो आए हैं कांग्रेस के, ये भी और ऐसी लंबी लिस्ट है जो नेताओं की, अधिकारियों की है जो इस घोटाले से जुड़ी है। इन सभी पार्टियों को, गुपकार गैंग के सदस्यों को, जम्मू कश्मीर और देश की जनता को बताना चाहिए क्या मजबूरी थी कि इन्होंने प्रदेश की जमीनों पर, जंगलात की जमीनों पर, सरकार की जमीनों पर कब्जे किए, इन्होंने कानून बनाकर उसको दुरुपयोग किया, समय समय पर उसका बदलाव उस समय के मुख्यमंत्री सरकारों ने किया, और ये अपने आप को जमीनी नेता कहने वाले जमीनों के और जमीन घोटालों के नेता कैसे बन गए, दलाल कैसे बन गए, इसका जवाब इनको प्रदेश की और देश की जनता को देना ही होगा। ये चंद सवाल मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से छोड़कर जा रहा हूं, अगले कुछ दिनों में कुछ और सवाल जवाब लेकर आएंगे, लेकिन तब तक केवल इतना ही कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करूं। और यही
जो भी अब करप्शन करेगा या पहले की भी की होगी, उसके चेहरे को बेनकाब होना ही पड़ेगा, उसका चेहरा जनता के सामने आएगा ही। ये जो गुपकार का जिस तरह से पूरा खाका बुना गया, अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी है भाजपा, और ये कहा जा रहा है कि गुजर बकरवास को खदेड़ने का काम कर रही है। ये लग रहा है कि ये जो नाम सामने है उसका डर। नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसके साथ ही चलते हैं। देश में हमने 7 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर दिया। हमने नहीं पूछा कौन दलित है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, ना जाति पूछी ना धर्म पूछा। 10 करोड़ शौचालय दिए, ना हमने किसी का धर्म पूछा। 2 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा। इस महामारी के समय 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं चावल दाल देने का काम बिल्कुल मुफ्त में किया, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा। हमने 15,000 करोड़ रुपया इलाज के लिए इस महामारी के लड़ने के ऊपर लगाए, हमने ना राज्य पूछा ना धर्म पूछा ना जाति पूछी। हमने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से काम किया।